एक बार बद्रीनाथ अपनी न्यू कार से कहीं पर जा रहा होता है और वह अचानक से कार वहीं पर खराब हो जाती है और सड़क पर उतरता है तो उसे कोई लिफ्ट लेने की कोशिश करता है वो, बट उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। लेकिन जब वो आगे जाता है तो उसे कोई लिफ्ट लेने के लिए तीन कारें होती हैं उसके सामने। तो अब बद्रीनाथ इन तीनों कार में से किस कार की लिफ्ट लेगा वो आपने देखकर बताना है। कौन सी कार की लिफ्ट उसके लिए सही रहेगी? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट जरूर करें। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए आंसर को देखते हैं। जहां पर बद्रीनाथ की कार रुकी थी वहां पर दो पर्चे लगे हुए हैं, एक चोर वांटेड भागा हुआ है और दूसरा कार एक चोरी हुई हुई है। तो अब इन दोनों कारों के पर्चे में जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कार वहीं पे खड़ी हैं, एक तरफ वांटेड बैठा है और दूसरी तरफ वो चोरी हुई कार खड़ी है। तो इसका मतलब बद्रीनाथ दूसरे नंबर वाली कार की लिफ्ट लेगा जो कि उसके लिए सेफ है। अगर आपका भी यही कॉमेंट है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो, एक तरफ मायरा डॉक्टर है और दूसरी तरफ बद्रीनाथ डॉक्टर है। अब आप इन दोनों पहली में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा डॉक्टर सही में असली इलाज कर रहा है सही तरीके से, कौन सा डॉक्टर नकली है ये बताना है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके पास टाइम है। सो आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसमें से जो डॉक्टर नकली है वो बद्रीनाथ है जो कि एक सांप से इलाज कर रहा है। ऐसे कोई इलाज नहीं होता, बल्कि जो मायरा इलाज कर रही है वो चाइनीज तरीके से कर रही है, उसका इलाज सही है, बट बद्रीनाथ का इलाज सही नहीं है, तो बद्रीनाथ नकली है। तो क्या तुम इस पिक्चर में देख के बता सकते हो कि कौन इडियट है? अगर तुम बता सकते हो कि कौन इडियट है तो अपना आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, आपका टाइम अभी स्टार्ट किया जाता है। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। जो ये गेट में खड़कर बुद्धदेव झांक रहा है बद्रीनाथ और मायरा के रोमांस को देखकर, इसका मतलब यही इडियट है। अगर आपका भी यही आंसर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो।